क्या हुआ? कम से कम जानू क्या हुआ बच्चे बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है बाबू। मैं वहां सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने गई थी, मेरी कोई गलती नहीं। यू ट्रस्ट मी ना, आप मुझ पे विश्वास कर। हाँ बेटा, तू मेरी बेटी है, मैं तुझ पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ। देख मेरी तरफ, मैं जानती हूँ तू कभी कोई गलती नहीं करेगी। ये जस्ट रिलैक्स होके फिनो, आप कैसे हो? वी ट्रस्ट यू। मैंने भी पता है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आप प्लीज बताओ क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ बता मुझे। जानवी, पापा साहब सो रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। सर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब क्या चल रहा है? से शर्म आ रही है मुझे। मैं देखती हूँ, तू इसे संभाल। ये चुप किया जी, मुझे जानवी से मिलना है। जस्ट नीड टू जी नहीं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को अकेला। जो उसके साथ आज हुआ, मेरी बेटी बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ। जिस दोस्ती के लिए वो आपके यहाँ गई, इन लोगों ने उसके साथ इतना बुरा किया, आप बस देखते रहे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जानवी के ऊपर क्या बीतेगी? पर नहीं, आप अपने परिवार से उसे बेइज्जत होते हुए देखते रहे। यही है आपकी दोस्ती? आंटी, मैं जानता हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो आपसे नहीं मिलेगी और ना ही मैं आपसे मिलने दूंगी। अगर आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते तो चले जाइए इनसे। आंटी, मैं जानता हूँ कि जानवी ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। I'm sorry. आप प्लीज उन्हें सॉरी कह देना। अरे लिया के परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट देख रहा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं।
अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी